हेलो स्टूडेंट, फॉरएवर क्लासेस के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको मूल मात्रकों की परिभाषा डिफाइन की थी। अब आपका अगला टॉपिक है विमाएं। विमाएं क्या होता है? किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जो उनके मूल मात्रकों की पावर के रूप में चढ़ाई जाती है, पावर के रूप में लिखी जाती है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जो राशि के मात्रक को व्यक्त करने हेतु मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है, मतलब मूल मात्रकों के पावर पर लिखी जाती है, पावर के ऊपर लिखी जाती है। जैसे संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान को यम से और वेग का विमा एल टी पर माइनस वन होता है, तो संवेग बराबर आपका गया एम एल टी के पावर माइनस वन। तो संवेग की जो विमाएं हो गए वो द्रव्यमान के लिए कितना हो गया? वन। और लंबाई के लिए कितना हो गया? वन। और समय के लिए माइनस वन। अब आपका अगला टॉपिक है विमीय सूत्र। डाइमेंशंस फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? किसी भी राशि को उसके विमा के रूप में लिखना ही उसका विमीय सूत्र कहलाता है। कोई भी जैसे राशि हम उसके मूल मात्रक को पहले लिखते हैं, फिर मूल मात्रकों को पावर के रूप में कहते हैं, जिसको विमा कहते हैं। तो फिर किसी भी राशि को उसके विमा के रूप में लिखना या व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को विमीय रूप में लिखना लिखने पर प्राप्त सूत्र विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र में व्यक्त करने के लिए अलग अलग मात्रकों के लिए अलग अलग सिंबल निर्धारित है। पहले देखिए विमीय सूत्र क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि में प्रयुक्त मूल मात्रकों को विमीय रूप में लिखने पर, कोई भी आप जैसे कोई भी राशि ले लेते हैं उसको उसके मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो फिर मूल मात्रकों में व्यक्त करने के बाद उसको विमीय रूप में लिख देते हैं। तो विमीय रूप में लिख देते हैं तो बड़े ब्रैकेट में आपको इस तरीके का रूप मिलेगा। तो यही जो फार्मूला मिलता है, सूत्र मिलता है, वही विमीय सूत्र कहलाता है। अब अलग अलग मात्रकों के लिए अलग अलग विमीय सूत्र निर्धारित है। जैसे द्रव्यमान को अगर विमीय रूप में लिखना है, विमीय सूत्र के रूप में लिखना है, द्रव्यमान को मतलब द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। तो किलोग्राम को आप लिखेंगे किलोग्राम को कैपिटल यम से, मीटर को कैपिटल एल से, समय को कैपिटल टी से तथा ताप को थीटा से विमीय सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है।
जो किलोग्राम की विमाएं हैं वो ए है, एल की विमाएं माना किलोग्राम की विमाएं की विमा स्मॉल ए, मीटर की विमा स्मॉल बी, समय की विमा स्मॉल सी तथा ताप की विमा डी हो तो विमीय सूत्र को देखिए, इसके विमा के रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो विमीय सूत्र जो लिखने का तरीका है विमा के रूप में, विमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में m के पावर, विमा क्या होती है जो उसके मात्रकों के घात के रूप में व्यक्त की जाती है, तो m के पावर हमने इसकी विमा लिख दिया a, l के पावर हमने इसकी विमा लिख दिया b, t के पावर आपकी विमा हो गई c और थीटा के पावर विमा हो गई d। इस तरीके से हम विमीय सूत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक मूल राशि ले लेते हैं। जैसे हम क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक प्राप्त करने के लिए पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई बटे चौड़ाई, ठीक। लंबाई किस में मापा जाता है, मीटर में। चौड़ाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। अब आपको इसका मूल मात्रक पता चल गया, इस राशि का मूल मात्रक मीटर स्क्वायर। अब इसका हम विमीय सूत्र निकालते हैं, तो जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है वो बड़े ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में विमीय सूत्र ना लिखकर क्षेत्रफल को हम बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल का हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। अब मीटर को किसमें मापा जाता है, किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, यल, तो हमने एल लिख दिया, फिर एल मतलब ये आपका हो गया एल स्क्वायर, इसके लिए एल, इसके लिए एल, एल स्क्वायर हो गया। तो आपका जो विमीय सूत्र हो गया वो एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप यम आपको यहाँ पे नहीं मिला हुआ है, टी भी आपको नहीं मिला, थीटा नहीं मिला हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम की पावर जीरो एल स्क्वायर और टी की पावर जीरो, थीटा की पावर इतना जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पता चला कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। तो इस तरीके से किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाला जाता है। अब हम इसी तरीके से अगला एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी आप राशि ले लो उसका विमीय सूत्र, जैसे हम वेग ले लेते हैं, वेग बराबर क्या होता है आपका, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वैसे वेग की डिफिनेशन क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो विस्थापन, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपन समय। विस्थापन क्या होता है, दूरी होता है, दूरी को किस में मापा जाता है, मीटर में। तो आप इसको मीटर लिख सकते हो, इसका मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। इस तरीके से वेग का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हम वेग की विमा निकालते हैं, वेग की, वेग का विमीय सूत्र निकालते हैं, सॉरी विमीय सूत्र, या फिर आप इसको बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से वेग लिख सकते हैं। अब वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, मीटर के लिए क्या लिखा जाता है विमीय सूत्र, कैपिटल एल, और सेकेंड के लिए क्या लिखा जाता है विमीय सूत्र, टी। यहाँ पे सेकेंड की पावर कुछ नहीं है, मतलब टी की पावर हम वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसको ऊपर करेंगे, डिनोमिनेटर में आपका टी आपका हर में है,
इन्हीं से तो लिखने का तरीका ये है, एक ही पास सब अंश में होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो एल ये ऊपर जाएगा तो पावर आपका माइनस वन हो जाएगा, और इसको अगर सिंबल जो जनरल फॉर्म है, जनरल भी सूत्र लिखने का तरीका है, उसमें व्यक्त करें तो एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन। इस तरीके से वेग का विमी सूत्र एम की पावर जीरो एल टी की पावर माइनस वन होगा। इसे हम दूसरी क्वांटिटी का विमी सूत्र निकालते हैं, त्वरण। त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु का या कण का वेग पहले भी वन था, बाद में वी टू हो गया कुछ समय बाद, तो वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा? वी टू माइनस वी वन। तो ये जो वी टू माइनस वी वन आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी, तो आप जैसे वी वन बराबर आप लेते हो 10 मीटर प्रति सेकेंड, और वी टू बराबर आप लेते हो 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इन दोनों का जो परिवर्तन, अगर हम डेल्टा वी से नोट करें, तो ये वी टू माइनस वी वन होता है। तो आप क्या करोगे, 20 माइनस 10 या जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेग परिवर्तन होता है वो भी वेग ही होता है। तो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और यहां पे समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। यहां से आप विमा लिखोगे, हम इसी त्वरण की विमा लिखते हैं। तो त्वरण की विमा हम इसको बड़े ब्रैकेट में प्रेजेंट करते हैं। मीटर को किस में लिखते हैं? एल में अपॉन टी, और यहां पे आपका एक और टी नीचे, फिर ये टी ऊपर जाएगा। यहां पे देखिए ये अपॉन है आपका, तो ये इतना अपॉन इतना अपॉन इतना है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक, तो एल टी इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो पहले आपका एल हो जाएगा और यहां पे टी के पावर माइनस टू। समझ में आया? ये टी आपका दोनों नीचे ही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं L अपॉन T स्क्वायर। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो T पर माइनस टू हो जाएगा। इस तरीके से ये L T के पावर माइनस टू इसका विमी सूत्र हो जाएगा। अगर इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो M की पावर जीरो L T के पावर माइनस टू। इस प्रकार त्वरण का विमी सूत्र क्या हो गया आपका? M की पावर जीरो L T के पावर माइनस टू। त्वरण का विमी सूत्र एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि वेग का विमी सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। वेग का विमी सूत्र होता है एल टी के पावर माइनस वन। अभी हमने निकाला इससे जस्ट पहले वेग का एल टी के पावर माइनस वन, और ये नीचे टी सेकेंड। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल टी के पावर माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस वन। फिर आपका ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से एल टी के पावर माइनस टू। इसको जनरल फॉर्म लिखेंगे तो एम की पावर जीरो एल टी के पावर माइनस टू। तो त्वरण का विमी सूत्र ये एम एल टी के पावर माइनस टू, यहाँ भी एम एल टी के पावर माइनस टू। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं विमी सूत्र, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं त्वरण का विमी सूत्र। अब अगली क्वांटिटी हम लेते हैं बल। अगर आपको छोटे छोटे क्वांटिटी का विमी सूत्र याद है, तो किसी बड़े क्वांटिटी का विमी सूत्र, जैसे कोई क्वांटिटी है उसका जो मात्रक है वो बड़ा है, तो अगर आपको उसके छोटे फॉर्म का विमी सूत्र पता है तो आप इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे अभी हमने त्वरण में वेग का विमी सूत्र डायरेक्ट रख के भी निकाल लिया था। अगला है आपका बल। बल को हम क्या लिखते हैं? बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। क्या आप जानते हो फॉर्मूला? तो बल का जो विमीय सूत्र होगा, पहले आप ये देखो द्रव्यमान किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में।
सॉरी बल का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणितीय त्वरण एम ए इस तरीके से होता है। तो द्रव्यमान को किसके मापते हैं किलोग्राम में और त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। इसका बीमी सूत्र देखिए क्या होगा बल का बीमी सूत्र बल का विमीय सूत्र हम इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि बल का विमीय सूत्र हम निकाल रहे हैं किलोग्राम को किसमें लिखा जाता है किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या लिखा जाता है कैपिटल एम ये हो गया इनटू मीटर का क्या होता है एल और नीचे समय का टी स्क्वायर। इस प्रकार एम एल ये टी स्क्वायर आपका नीचे ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू नीचे से ऊपर जाने पर पावर आपका माइनस हो जाता है। इसको एक साथ आप कंबाइन करोगे तो एम एल टी की पावर माइनस टू ये आपका बल का विमीय सूत्र हो गया। इसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं ये तो हमने इस बल को उसके फार्मूले से मात्रक के रूप में निकाला आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो बल बराबर क्या द्रव्यमान गुणितीय त्वरण ठीक। तो बल का हम अगर विमीय सूत्र निकालना चाहें तो एक तरीके से और निकाल सकते हैं कैसे बल और द्रव्यमान गुणितीय त्वरण द्रव्यमान गुणितीय त्वरण ये फॉर्मूला होता है आपका आप द्रव्यमान को क्या लिखते हो किलोग्राम लिखते हो आप बल का विमीय सूत्र निकालो तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं तो किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या लिखा जाता है कैपिटल एम। अगर आपको त्वरण का याद हो अभी जस्ट हमने निकाला था त्वरण का तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है एल टी की पावर माइनस टू तो इस तरीके से आप इसको एक साथ कंबाइन करोगे तो एम एल टी की पावर माइनस टू। तो एक और तरीके से बल का विमीय सूत्र निकाला जा सकता है अगर आपको त्वरण का विमीय सूत्र पता है तो आप उसमें डायरेक्ट रख सकते हो तो बल का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब अगला है आपका अगला क्वांटिटी है आवेग। आवेग बराबर क्या होता है बल गुणित समय। आवेग बराबर ये फॉर्मूला होता है आवेग का हम विमीय सूत्र निकालते हैं आवेग का विमीय सूत्र बल का बल को किस तरीके से लिखा जाता है द्रव्यमान गुणितीय त्वरण आप ऐसे लिख सकते हो द्रव्यमान गुणितीय त्वरण समय। द्रव्यमान किलोग्राम में त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय को सेकंड द्रव्यमान को हम किसमें लिखेंगे कैपिटल एम मीटर को एल इसका विमीय सूत्र आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एम एल टी अपॉन टी की पावर माइनस टू। इस तरीके से आपका आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा टी की पावर माइनस वन ये आपका जो टी के पावर माइनस टू है ऊपर हो जाएगा सॉरी टी के पावर टू तो ये पावर माइनस में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा मैं टी के पावर माइनस वन। इस प्रकार आवेग का जो विमीय सूत्र हो जाएगा आपका एम एल टी के पावर माइनस वन। थैंक यू स्टूडेंट इस वीडियो में जो भी कमी हो आप लाइक और कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।